एफएम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सीखने के सिद्धांत की दूसरा टॉपिक। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा कि सीखने के सिद्धांत को जिन दो भागों में डिवाइड किया गया है उसमें से जो पहला भाग है व्यवहारवादी सिद्धांत, उसके बारे में हमने पढ़ा था। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा, संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिद्धांत के दूसरे भाग अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है, परंतु हम मुख्य रूप से इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, पियाजेट थ्योरी, टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत और बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत के बारे में आज जानते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हमारा पहला सिद्धांत है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग अर्थात अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्राणियों का सीखना किसी प्रक्रिया जो उनके अंदर से अचानक कोई सूझ आती है उससे सीखना होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्धिमर, कोहलर और कोफका ने मिलकर किया था। वैसे तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कई प्राणियों पर प्रयोग किए, परंतु कैनरी द्वीप पर 1913-1918 के बीच एक वनमानुष जिसका नाम सुल्तान था पर किया गया उनका प्रयोग विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने ये सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को हम गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। गेस्टाल्ट वर्ड एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, यानी कि स्वयं में पूरा, जो आकार प्रकार प्रकृति में पूर्ण हो, इसे ही हम समग्र कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी थ्योरी आती है टॉलमैन साइन थ्योरी, टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। यह सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा प्रतिपादित हुआ है और इसमें उन्होंने बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत को जोड़कर एक नई थ्योरी का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि कोई एक विशेष व्यवहार नहीं होता सीखने के लिए, ये तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें से प्रथम है साइन थ्योरी या चिन्ह सिद्धांत, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव बिहेवियरिज्म, सेकेंड है साइन लर्निंग थ्योरी, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और नेक्स्ट है साइन सिग्निफिकेशन थ्योरी। ये सारे नाम चिन्ह सिद्धांत के ही हैं, जिसके बारे में अलग अलग एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये सारे नाम हमको अच्छे से याद। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, आपके बीएड के लिए और आपके लाइफ के लिए। इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो पियाजेट जो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही इन थ्योरियों को सर्च करने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, बच्चे सीखते कैसे हैं, वो नैतिक धारणा कैसे बनाते हैं, इन विषयों को जानने में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसमें इनकी थ्योरी को हम समझने से पहले कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन शब्दों को नहीं समझेंगे। पियाजेट की थ्योरी पहला वर्ड है एडॉप्टेशन, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाने की क्षमता को ही एडॉप्टेशन कहते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है इक्विलिब्रेशन अर्थात जब आत्मसातीकरण और समायोजन के मध्य एक बैलेंस बनता है, एक संतुलन बनता है, तो उसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है मेंटल ऑपरेशन, यानी कि समस्या के समाधान के लिए हम जो भी मानसिक प्रक्रिया करते हैं, चिंतन करते हैं, उसे ही मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। हमारा चौथा वर्ड है स्कीम्स। स्कीम्स का अर्थ है कि व्यवहारों का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे हम बार बार समय के अनुसार दोहराते जाते हैं, उसे ही स्कीम्स वर्ड है। स्कीमा अर्थात ऐसा मानसिक पैटर्न, ऐसा मानसिक क्षमता जिसका समय के साथ समस्या के अनुसार सामान्यीकरण किया जा सके, उसे स्कीमा कहा जाए। पियाजेट ने बच्चों के अध्ययन के पश्चात उनके सीखने को, उनके संज्ञानात्मक विकास को चार भागों में डिवाइड किया कि बच्चे किस उम्र में क्या क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो उनका पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज। यह स्टेज बच्चों में जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है। इस अवस्था में बच्चे प्रारंभ में सहज क्रियाएं ही करते हैं, जैसे कि अंगूठा चूसना, किसी भी वस्तु को मुंह में लेकर देखना कि वो क्या है, कैसा है, और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ, 2 वर्ष की उम्र को पूर्ण करने के साथ साथ वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि माता पिता को उनका चेहरा देखकर पहचानना सीख जाते हैं। इस
अवस्था को पुनः उन्होंने 6 सब स्टेज में डिवाइड किया है। और दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का एज होता है 2 से 7 वर्ष। तो जो इस अवस्था को पुनः प्याजी ने 2 सब स्टेज में डिवाइड किया है। इस सब स्टेज में क्या होता है, प्रारंभिक सब स्टेज में बच्चा हर चीज में जीववाद की संज्ञा दी गई इस स्टेज को, जिससे बच्चे को हर चीज में ऐसा महसूस होता है कि सब सजीव है। वो किसी भी खिलौने में कोई भी कल्पना कर लेता है, वो गिलास को फोन बना लेता है या किसी भी कलम को डॉल बना सकता है या डॉल को अपनी मम्मी की संज्ञा दे सकता है। तो उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में जीवन है, सब जीववाद की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इस उम्र में, इस स्टेज में बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। और इसके अलावा बच्चा आत्म केंद्रित रहता है, इसे भी प्याजे ने इगोइज्म की संज्ञा दी है। इस स्टेज को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेज की ओर। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। स्टेज में बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें बच्चे में सोचने समझने की क्षमता तो विकसित हो जाती है, समस्या समाधान का, तर्क करने का भी समझ विकसित हो जाता है, परंतु उनमें सोचने समझने की क्षमता में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। और अंतिम स्टेज है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इस एज में बच्चे की उम्र 12 वर्ष से अधिक होती है। उनमें सोचने समझने तर्क करने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। इन सब के अलावा उनके सोचने में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। उनका तार्किक चिंतन भी उच्च रूप से सक्षम हो जाते हैं सोचने और समझने में। ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बैंडुरा, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका कहना था कि मनुष्य का सीखना उसके समाज से होता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर सीखता है। इस प्रकार से एक के व्यवहार का दूसरे के व्यवहार में सीखने के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है उसे उन्होंने मॉडलिंग की संज्ञा दी। इनके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जो बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुआ। और उनका कहना था कि बच्चों को अगर सीखना है तो उनके सामने एक अच्छा मॉडल रखें जिनको देखकर बच्चे सीखें। इस प्रकार से उनका सामाजिक सीखने का सिद्धांत विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ।